नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर जो कि हज यात्रियों से जुड़ी हुई आ रही, जितने भी हज यात्री हज के लिए या फिर उमरा के लिए अपनी इच्छा रखते हैं उनके लिए खबर है। बताना चाहेंगे आपको, सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है और एडवाइजरी में साफ तौर पर कहा गया है कि सऊदी अरब ने बीमार तीर्थयात्रियों के लिए हज पर बैन लगा दिया, यानी प्रतिबंध लगा दिया है। पूरी खबर के आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। बताना चाहेंगे आपको कि रियाद सऊदी हज और उमरा मंत्रालय ने यानी कि हज 2025 के लिए एक स्वास्थ्य सलाह जारी की, यानी कि एडवाइजरी जारी की है, जिसमें संभावित तीर्थयात्रियों के लिए सख्त आवश्यकताओं के स्वरूप यानी कि रूपरेखा दी गई है, जिसमें जटिल चिकित्सा स्थितियों से पीड़ित व्यक्तियों के बहिष्कार पर विशेष जोर दिया है। यानी जो लोग ग्रस्त बीमारियों से यानी काफ़ी यानी कि बीमारियों से ग्रस्त है, यानी यूँ कहेंगे जो सीवियर जो बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी उन्हें ये कहा गया कि वो हज नहीं कर सकते हैं या उमरा नहीं कर सकते हैं। खासकर वो लोग जो कि इंडिविजुअल जो कम्प्लेक्स मेडिकल कंडीशन में है और उनको फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया गया। और बताना चाहेंगे आपको कि धार्मिक मामलों के मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद उमर भट्ट के अनुसार यानी कि गंभीर बीमारियों वाले व्यक्तियों को हज यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी, यानी जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं, बड़ी बीमारियां, उन्हें फिलहाल हज की अनुमति इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ये उपाय हज के मौसम के दौरान प्रत्याशित चरम मौसम की स्थिति के जवाब में है और ये सभी तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए है। प्रवक्ता ने आगे स्पष्ट किया कि किडनी, हृदय, फेफड़े, लीवर की गंभीर बीमारियां और कैंसर से पीड़ित लोगों को हज में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई है। सबके लिए नहीं, बल्कि जो लोग गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसमें आता है हृदय यानी कि हार्ट पेशेंट, फेफड़ों की प्रॉब्लम, जिन्हें लीवर की गंभीर बीमारियां हैं और कैंसर के पीड़ित लोगों को हज में भाग लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि मनोभ्रंश या संक्रामिक रोगों से यानी कि बताना चाहेंगे, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो कि उन्होंने जो स्पोक्स पर्सन ने साफ तौर पर कहा कि जो कि डिमेंटिया और कैटाजिस डिजीज, जिसमें और भी जो अन्य बीमारियां आती हैं, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये जो बड़ी बीमारियां हैं, इनके जो मरीज हों, ग्रस्त हो गए, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए फिलहाल उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि रोगों जैसे कि तपेदिक, काली खांसी और इसी तरह की अन्य बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को भी तीर्थ यात्रा से रोक दिया जाएगा। यानी जो लोग तपेदिक की बीमारी से या फिर काली खांसी और इसी तरह की जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त है, उन्हें भी हज में जाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि एडवाइजरी में ये भी बताया गया कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती यानी प्रेग्नेंट महिलाओं को भी हज करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जो कि उमर ने कहा कि सऊदी अधिकारियों द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के हिस्से के रूप में सभी तीर्थयात्रियों को मेनिनजाइटिस और साथ ही साथ कोविड-19 मौसम इन्फ्लुएंजा और साथ ही साथ यानी क्लाइमेट इन्फ्लुएंजा और पोलियो के खिलाफ टीका लगाया जाना अनिवार्य है। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि केवल वे लोग जो अच्छे स्वास्थ्य हैं यानी कि जिनकी सेहत बिल्कुल सही है, जिनको कोई बीमारी नहीं है, उन्होंने कहा नहीं है और शारीरिक रूप से तीर्थ यात्रा की कठिनाइयों को सहन करने में सक्षम है, उन्हें पवित्र यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। यानी साफ तौर पर सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, जिन लोगों को गंभीर बीमारियां हैं और गंभीर बीमारियों से वो ग्रस्त हैं, उन्हें साफ तौर पर एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा जो बच्चे यानी माइनर होंगे और जो महिलाएं गर्भवती होंगी, उन्हें इस यानी हज में 12 साल के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को भी हज और उमरा करने की अनुमति नहीं होगी। उसी के साथ अब जो गंभीर बीमारियां हैं, उनके जो मरीज जो ग्रस्त होंगे, उन्हें भी हज में जाने की अनुमति नहीं है। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वो लोग जो सेहत से स्वस्थ हैं, जिन्हें कोई बीमारियां नहीं है और जो तीर्थ यात्रा के दौरान जो लोगों का शरीर इसकी इजाज़त देता है कि कठिनाइयों को बर्दाश्त कर सकते हैं, बस
उन्हीं लोगों को कठिनाइयों को सहन करने में सक्षम है, उन्हीं लोगों को यानी कि ये पावन यात्रा करने की अनुमति होगी। ये बड़ा एक अपडेट है मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए जो इस पवित्र यात्रा को हिस्सा बनना चाहते हैं, इस पवित्र यात्रा को 2025 की हज यात्रा करना चाहते हैं, ये उनके लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर एक मुस्लिम समुदाय के लोग उन तक ये वीडियो पहुँचे और उन्हें भी पता चले जो लोग इच्छुक हैं 2025